नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब तक कोरोना के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं आई थी, तब तक यही विपक्ष सत्ता पार्टी को कोस रहा था कि सही समय पे कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं, कोरोना फैल रहा है, इसके लिए कोई एंटीडोज नहीं है, ब्ला ब्ला। अब जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में सभी को मिल रही है, तेजी से टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो अचानक से कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाए जाने के आरोपों पर अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव पांडी ने जब एक आरटीआई शेयर कर कि कोवैक्सीन के निर्माण में गाय के बछड़े मारे जा रहे हैं और मोदी सरकार को ये पहले बताना चाहिए था, तो भाजपा काफी अग्रेसिव मूड में आ गई है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से भ्रम फैला रही है, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं मिलाया गया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों के बाद एक मीडिया से बातचीत में कहा कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम है, ये गलत है। गाय के बछड़े का सीरम होता है और खून होता है। जब हमने सोशल मीडिया पे इस प्रचार को देखा तो उनमें यहाँ तक लिखा था कि गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये कांग्रेस द्वारा जबरदस्त भ्रम फैलाया जा रहा है और कहीं किसी हद तक ये बात सही भी है कि कांग्रेस इस भ्रम को फैला रही है, कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं, वैक्सीन में बैरोसेल का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरह से खाद का काम करता है। यह बैरोसेल समय के साथ साथ अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। और पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को वेस्टेज और वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए जाना जाएगा। कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने कई बार सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये बताएं कि उन्होंने कब वैक्सीन लिया था, क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या नहीं, उनके किसी परिवार वाले ने कोवैक्सीन को लिया है या उन्हें इस पर भरोसा है, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वैक्सीन वो तब लगवाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने भी वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। इस वैश्विक महामारी में हमें वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरीके से भ्रम फैलाना चाहिए। विवाद सामने आने के बाद कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने भी एक अपना जवाब जारी किया है और कंपनी ने कहा है कि लोगों को जो वैक्सीन की डोज दी जा रही है, उस समय फाइनल डोज में बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत बायोटेक ने ये भी कहा कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वायरल वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए किया गया, पर कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल इसका नहीं किया गया और ना ही इसे फाइनल फॉर्मुलेशन में यूज किया गया। अब ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस ने क्या दावा किया था। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांडी ने यह दावा किया था कि कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए 20 दिन से भी कम समय के बछड़े की हत्या की जाती है। और पांडी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया था। तो अब ये देखने वाली बात है कि जब पूरे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है, उस समय ठीक उस समय कांग्रेस ने ये एक विवाद छोड़ दिया है, इस पर सियासत करनी शुरू कर दी है। इसे जो राजनीति के एक्सपर्ट लोग हैं वो एक चुनाव से पहले वाली जो गर्माहट पैदा करने की एक चाल होती है, उस तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस गाय बछड़े मारे जा रहे हैं वैक्सीन के निर्माण के लिए, इसको अपना एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।